Hello everyone, welcome to Angan Public School online teaching classes. In this lecture, we are going to continue our revision. In last lecture, we have started our fill in the blanks and we have did up to the question number 22. So let us continue our fill ups from question number 23. Here is the question number 23. The simplified form of 2x of 3x plus 4 is. ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे 2x of 3x plus 4 को क्या करना है? Simplify करना है. तो हम क्या करेंगे? Simplify का मतलब ये कि आपको यहाँ पे जो bracket दिया है, उस bracket को remove करके multiplication, addition, subtraction जो भी होता है terms के बीच में उस operation को आपको operate करना है. यानी कि कैसे होगा 2x ऑफ 3x किस होगा 2 3 6 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस 2 4 8 और यहाँ पे x तो आंसर है 6x स्क्वायर प्लस 8. नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे कहा है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है द न्यूमेरिकल कोफिशियंट ऑफ द फॉर्म माइनस फोर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इज. यहाँ पे जो आपको टर्म दिया हुआ है माइनस फोर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, इसमें न्यूमेरिकल कोफिशियंट क्या है? न्यूमेरिकल कोफिशियंट मतलब नंबर वाला कौन सा है? इट इज माइनस फोर. आपको सिंबल के साथ इंडिकेट करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. द कोफिशियंट ऑफ माइनस थ्री एक्स अपॉन टू. अब ये कह रहा है द कोफिशियंट ऑफ द टर्म माइनस थ्री एक्स अपॉन टू, यानी कि यहाँ पे माइनस थ्री एक्स अपॉन टू, इसमें से आपको कोफिशियंट ऑफ किसका लेना है? कोफिशियंट ऑफ एक्स का लेना है. कोफिशियंट ऑफ एक्स कहा है मतलब बिना एक्स के बाकी सारा आपको कंसिडर कर लेना है. सो माइनस थ्री अपॉन टू इज योर आंसर. दिस इज द फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ गो थ्रू द ट्रू ऑफ फॉल्स. अब हम हमारे क्वेश्चन थ्री ट्रू ऑफ फॉल्स करेंगे. ओके सी द फर्स्ट क्वेश्चन. माइनस एक्स एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर. ये कह रहा है कि जब आप एक्स माइनस टू होल स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर एक्स स्क्वायर माइनस फोर आएगा. तो इसके लिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा. तो देखिए एक्स माइनस टू होल स्क्वायर को सॉल्व करें तो ये कौन से फॉर्मेट में है? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर. ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. यानी कि ए की वैल्यू में कौन है? एक्स, और बी की जगह पे टू. तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी टू प्लस बी स्क्वायर यानी कि टू होल स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इज योर आंसर. लेकिन इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने ये कहा है कि आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर. सो योर आंसर इज फॉल्स क्योंकि हमें एल एच एस इक्वल टू आर एच एस नहीं आया. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपको एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स. ये कह रहा है जब आप एल एच एस एक्स प्लस थ्री को एक्स प्लस टू के साथ सॉल्व करोगे तो आपका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स आएगा. इसके लिए आपको एल एच एस यानी कि एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू को कंसिडर करना पड़ेगा. अगर आप इसे ऑब्जर्व करेंगे तो ये किन से फॉर्मूले की तरह है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, है ना? ये इसी की तरह है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेम है, सेकेंड टर्म्स अलग हैं. सो विच इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की तरह. सो यहाँ पे हमारे पास ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे एक्स की जगह पे एक्स है, ए की जगह पे थ्री है, बी की जगह पे टू है. एक्स की जगह पे एक्स, ए की जगह पे आपको थ्री कंसिडर करना है, बी की जगह पे आपको टू कंसिडर करना है. तो चलिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग से सब्स्टिट्यूट करें. तो एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री प्लस टू एक्स प्लस बी ए बी यानी कि थ्री इंटू टू. सो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स
और इन्होंने भी यही दिया हुआ है, सो आवर आंसर इज ट्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स वाई माइनस वाई एक्स प्लस एक्स जेड इज ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन हैविंग टू वेरिएबल्स. ये कह रहा है कि यहाँ पे जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन को हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं. लेकिन मुझे ये बताइए, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स हो. लेकिन यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 टर्म्स हैं, इसलिए आंसर में आएगा फॉल्स. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, x माइनस 7 एक्स प्लस 7. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा. क्या आंसर 0 आता है? चलो चेक करते हैं. यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की जगह है, कौन सा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मेट में है, विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस 7 स्क्वेयर. सो एक्स स्क्वेयर माइनस 49. और इन्होंने कहा है कि आंसर 0 आएगा, बट वी डिड नॉट गेट द 0, सो आंसर इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 5, जब आप 2a माइनस 3 होल स्क्वेयर माइनस 2a प्लस 3 होल स्क्वेयर उसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी आपको आंसर 0 आएगा कह रहा है. तो इसे हम सॉल्व करते हैं. इसके लिए आपको a माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पे a प्लस बी वाला फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा. ओके, तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वेयर यानी कि 2a स्क्वेयर माइनस 2a, 2a ए स्क्वेयर माइनस 2ab, 3 प्लस बी स्क्वेयर यानी कि 3 स्क्वेयर. इसका आपने इसे स्प्लिट कर दिया. अब यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस वैसे ही रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर यूज़ करेंगे a प्लस बी को स्प्लिट करने के लिए. सो ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर. ओके, अब कैसे करेंगे, ब्रैकेट हटा देते हैं. 2 स्क्वेयर यानी कि 4a स्क्वेयर माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12a प्लस 9. अब इस ब्रैकेट को भी हटाएंगे, इस माइनस को भी अंदर लेके जाएंगे, यानी कि इस माइनस को आपको सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. माइनस 4a स्क्वेयर माइनस इंटू प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12a माइनस इंटू प्लस माइनस 3 स्क्वेयर 9. अब देखिए प्लस 4a माइनस 4a स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 9 माइनस 9 भी कैंसिल हो गया. अब आपके क्या क्या बचा है, माइनस 12a और माइनस 12a यानी कि हो जाएगा माइनस 24a. और इन्होंने क्या कहा है, 0 आएगा आंसर, इसलिए आंसर में आएगा फॉल्स. क्वेश्चन 6, f प्लस वी प्लस ई इज इक्वल टू 2, दिस इज यूलर्स फार्मूला. लेकिन रॉन्ग, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस आना चाहिए था और इन्होंने यहाँ पे प्लस दिया है, इसलिए आंसर आएगा फॉल्स. द नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पॉलीहाइड्रॉन इज 4. ये कहला है कि अगर आप टोटल नंबर ऑफ पॉलीहाइड्रॉन इज 4, रॉन्ग है. ए पेंटागोनल प्रिज्म हैज 7 फेसेस. यस, इट्स करेक्ट, पेंटागोनल प्रिज्म की 7 फेसेस होते हैं. द शेप हैविंग ओनली वन लेंथ, ओनली लेंथ आर कॉल्ड 1D फिगर. यस, इट इज़ करेक्ट, जिसका सिर्फ एक ही लेंथ होता है, ब्रीथ हाइट नहीं होते हैं, ऐसे फिगर को हम 1D फिगर कहते हैं. द पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल. ये कह रहा है कि पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है. अब ये देखिए पैरेललोग्राम कहा है, तो क्या ये पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है? पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, उसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं. अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और इसलिए आंसर आएगा फॉल्स. ओके, लेकिन अगर यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर दिया होता तो आंसर ट्रू आएगा. द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर. अब आपको क्या करना है, आपको एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल फाइंड आउट करना है जिसमें रेडियस आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर. आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल नहीं कहा है इन्होंने, सेमी सर्कल कहा है. अब देखिए आपके पास सेमी सर्कल का फॉर्मूला है, और अगर
तो हम क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ जो सर्कल है उसको हाफ कर दें तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर, उसको हाफ कर दें तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल आएगा। तो पहले हम पाई आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। कितना आएगा, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 7 आया। अब देर फोर पाई आर स्क्वेयर अपॉन 2 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 2, 2 1 2 11 जा, तो कितना आएगा, 11 7 77, और इन्होंने भी 77 दिया है इसलिए आंसर ट्रू आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर 1 सेंटीमीटर, देन इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 4 पाई। ये कह रहा है कि आपका जो सिलेंडर है उसका रेडियस कितना है, रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है, हाइट भी इसकी 1 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर फाइंड आउट करना है। तो मुझे ये बताइए टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, 2πr ऑफ h प्लस r, है ना। तो चलिए r की वैल्यू 1, h की वैल्यू भी 1, 22/7 इंटू 1, 1 प्लस 1, सो 22/7 इंटू 1 प्लस 1, 2। अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, 2 2 4 इंटू 22/7। आपको देखिए क्वेश्चन में दिया है कि आंसर 4π आएगा, तो यस 4π आएगा, क्यों, क्योंकि 4 का 4 आएगा, इसकी वैल्यू क्या है, पाई, तो विच इज इक्वल टू 4π, देन आंसर इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, द रेशियो ऑफ ₹25 को किसके साथ, ₹75 के साथ करना है। अगर आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, 25 को 75 के साथ आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इज इट 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, तो कितना आएगा, 1/5 इट इज इक्वल टू 1:5। यहाँ पे थोड़ा सा कैंसिलेशन में मिस्टेक हो गया है, अगेन आई एम डूइंग 25/75, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, और यहाँ पे 5 3 ज़ा 15, तो कितना आएगा, 1/3 विच इज इक्वल टू 1:3। और इन्होंने यहाँ पे आपको दिया है कि आपका आंसर आना चाहिए 2:3, सो ये 2:3 दिया है और हमें आया है 1:3, देन आंसर इज फॉल्स। ओके, आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स इज ₹90, देन द कॉस्ट ऑफ 7 बुक्स इज, 6 बुक्स के ₹90 हैं तो 7 बुक्स के कितने होंगे, तो ऑब्वियसली कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, यानी कि 6/90 इज इक्वल टू 7/y2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 90/6, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तो 15 7 ज़ा 7 5 ज़ा 20 35, ₹105, और इन्होंने भी ₹105 दिया है इसलिए आंसर आएगा ट्रू। लास्ट क्वेश्चन, इफ x1 एंड y1 एंड x2 एंड y2 आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देन, ये कह रहा है कि अगर ये वैल्यूज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है, नहीं ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या था, x1/y1 x2/y2, दैट्स व्हाई द आंसर इज फॉल्स। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द ट्रू ऑर फॉल्स।